ओम शांति। आज की तारीख है 23/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं तो शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है, यानी सही रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वो विकल्प क्यों बनते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक न आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भले भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचान नहीं है, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर शिव पिता परमात्मा के महावाक्य। नंबर एक, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करने हैं। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले ले। नंबर दो है, अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान सतगुरु बाबा का, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर न हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, और अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्नों का मंथन चलता रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे, तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। अच्छा स्लोगन है, नाव और खिवैया दोनों मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति।